आए आदरणीय स्वामी कृष्ण जी, आदरणीय राहुल नार्वेकर जी जो मंत्री हैं, इस क्षेत्र के लीडर हैं, हमारे बगल में बैठे हमारे चहेते विधायक के बेटे और मित्र आकाश राजपुरोहित, जनक संघवी सुषमा जी, मंच पर बैठे सभी राजनीतिक दल के साथी, सभी इलाके के क्षेत्र के साथियों, युवा साथियों, नौजवान दोस्तों, झंडा वंदन से पहले आदरणीय श्याम केसवानी जी का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि मुझे दुख है कि मैं आजादी के 71 वर्षों बाद भारतीयता के लोगों को तलाश नहीं कर पा रहा हूं। मुझे उत्तर प्रदेश वाला मिल रहा है, मध्य प्रदेश वाला मिल रहा है, दिल्ली वाला मिल रहा है, गुजरात वाला मिल रहा है, लेकिन इस भारत का नागरिक जो है, जो जिसे भारतीयता मिली है, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा कि जब मैं लंदन में होता हूं, अमेरिका में होता हूं, तो अगर कोई मिलता है उससे पूछा कि आप कहां के हो, तो वो कहता है कि मैं इंडियन हूं या हिंदुस्तानी हूं। यानी हम अपने मुल्क में अपने को तलाश करने के लिए लंदन जाना चाहिए, या इस मुल्क में खुद को तलाशने के लिए अमेरिका जाना चाहिए। ये आज के बड़े दुख का विषय रहा। उन्होंने जो बात कही इसमें बड़ी हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ 71 वर्ष के उस लोकतंत्र का है, जिसे जिंदा रखने के लिए नेता अपने हाथ से वोट देकर सरकारें बनाते हैं। सिर्फ उसी के कारण भारत में भारतीयता छोड़ बाकी सब कुछ है। श्याम केसवानी जी, भारतीयता इसीलिए नहीं है कि अगर निजामुद्दीन नारायण को चुनाव लड़ना है तो पहले ये देखना है कि उत्तर भारतीयों का वोट मेरे लिए सुरक्षित है क्या। अगर राहुल जी को चुनाव लड़ना है तो उन्हें मराठी वोट देखना है। श्याम केसवानी जी, अगर आपको चुनाव लड़ना हो तो आपको सिंधी वोट देखना है। लेकिन मैं दो अपने मित्रों का जिक्र करता हूं, और दोनों राजनीति में है और दोनों दो ऐसे जगह से चुनाव जीत कर आते हैं। वो एक मुसलमान है, नाम उनका नहीं लेता, लेकिन 85% मराठा और हिंदू है, और 15% से भी कम मुसलमान है। उसके बाद वो चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि वो भारतीयता के लिए चुनाव लड़ते हैं, किसी पक्ष या पार्टी के लिए नहीं लड़ते। इसी विधान, इसी क्षेत्र के आसपास में आप लोगों ने जो अभी विधान इसमें कॉरपोरेशन में है, केवल बस्ती वाला का नाम सुना होगा, अभी इसी साल उनकी डेथ हो गई। वो जिस इलाके से चुन कर आते थे वहां 500 वोट भी मुसलमानों का नहीं है, लेकिन वहां जैन का बड़ा वोट था, हिंदू भाइयों का वोट बड़ा था, 7-8 हजार वोट से चुन के आते थे, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात के लिए चुनाव में और नहीं गए। एक दिन आज मोहित जी को भी मैंने पूछा कि आपके समाज के कितने हैं, तो 250 वोट है राजपुरोहित समाज के इस क्षेत्र में, जहां से वो विधायक बनते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम सोचते हैं कोई चीज तो हमारे दिमाग में इसकी उपज है। अगर हम अपनी भारतीयता के लिए या अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए अगर हम कुछ तलाश करना चाहें तो हम अच्छी चीज तलाश कर सकते हैं, लेकिन हम तलाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम राजनीति में खुद सोचने की सारी शक्ति को खत्म कर चुके हैं और हमारा सोचने का काम किसी और को दे चुके हैं। पार्टियां आज राजनीति में जो भी है, मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं लेता, लेकिन आज देश के हालात बदतर आ गए। श्याम केसवानी जी, 72 साल पहले जिस भारत को आजाद करने के लिए आपके लोगों ने, हमारे लोगों ने, इनके लोगों ने कंधे से कंधे मिलाया, अपने खून के एक एक कतरे को इस पवित्र धरती को दिया, आज हम अफसोस कर रहे हैं कि आज जो घटनाएं इस देश में हो रही है, वो संसार करने वाली घटनाएं। आपने देखा अभी बिहार में जो घटना हुई बच्चियों के साथ, आपने देखा मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, आपने देखा अभी मध्य प्रदेश की घटना, आपने अभी देखा, क्या उसमें किसी धर्म की संस्था आती है? आप जिन धर्मों के नाम पर अपने आप को लाकर बांट कर इस राज्य की, इस देश की सत्ता को हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस देश में बसने वाले लोगों के दिलों पर आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। आज लोग आपको, हो सकता है इस नाम पर वोट दे दें कि मैं इस भारत में मेरा अधिकार है लोकतंत्र में वोट देना, इसलिए मुझे डर दक्षत के नाम पर अगर मैं वोट देकर ये चाहूं कि किसी की सरकार बनवा दो, तो यह अधिकार है आपको कि आप किसी की सरकार बनवा दें, लेकिन किसी इंसान का आप दिल जीत ले यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह आपके अधिकार क्षेत्र में तभी आएगा जब आप लोगों का काम करेंगे, जब अपने मन से इस तरह की भाषा को निकाल देंगे। आज जो घटनाएं हो रही है देश में, आदमी जा रहा है किसी को भी एक मां बताया और मां डरता है, सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है, आज देश
सामना करना पड़ रहा है। कौन सी सत्ता, कौन से पैसे आप लाएंगे? आज पिछले महीनों से मैं देख रहा हूं कि इस राज्य में अभी गणपति जी का उत्सव होगा जिसे सारे लोग बड़े मोहब्बत से मनाएंगे, लेकिन आज हमारे कुछ साथी ठेकेदारों की मदद से, नेताओं की मदद से भ्रष्टाचार करके आज जिस हालत में इस शहर को ले जा रहे हैं, उस शहर के लोग कभी माफ करने वाले नहीं है। क्योंकि कोई घटना अगर किसी एक व्यक्ति के लिए घटती है तो आपके परिवार के लिए भी घट सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कहीं कोई चीज हो रहा है तो वो बहुत सत्य होगा, भले किसी की भी सत्ता हो। आपको चाहिए कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि आप कुछ चीजें छोड़ दीजिए, वो चीजें जो सामाजिक जीवन में रोट है वो किसी के परिवार के लिए भी हो सकती है, वो चीजें छोड़कर बाकी की चीजों में आप राजनीति करते हैं जरूर करना चाहिए। क्योंकि आज नेताओं से जिस तरह की उम्मीदें हैं लोगों को, या लोग जिस तरह से नेताओं से चाहते हैं काम करना, क्योंकि कोई ऐसा मंडल, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा एनजीओ नहीं है जो नेताओं के दरवाजे जाकर पैसे वसूलने का काम न करे। एक दौर था कि लोग अपने नेताओं के लिए खुद से जाते जब चलकर चंदा जमा करते थे और उन्हें पैसा देते थे और उनसे कहते थे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में है, आपके लिए जो फंड हमने जमा किया है इसे आप सामाजिक कार्यों में लगाइए। लेकिन आज सामाजिक कार्यों का जीवन निर्वाह करने वाले, एनजीओ चलाने वाले आज सारे लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि मैं किस राजनेता के दरवाजे जाऊं और उससे कितना पैसा वसूल लूं और वो लाके लोगों के लिए काम दिखाऊं। तो जब आप सौदा करेंगे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी लीडर के साथ, तो यकीनन आपका भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य कभी बढ़िया नहीं हो सकता। क्योंकि वो सोचता है कि मैंने पैसे लगाए हैं इसलिए मुझे पैसा निकालना है। तो ये आपको भी बदलने की जरूरत है। 72 साल पहले जब मिल के आजादी के लिए अपने साथियों ने खून बहाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 72 साल के बाद हिंदुस्तान की जो मुस्तकबिल है वो हिंदू मुसलमान के लिए बढ़ जाएगा। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि कई गांव में तो ऐसा है कि दूसरे धर्मों के लोग एक दूसरे के यहाँ जाने को डर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि ये मुल्क ऐसा था कि पूरी दुनिया में भारत एक अकेला मुल्क था जहां हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं था। क्योंकि यहां की सारी चीजें धार्मिक व्यवस्था में है, सारी नदियों पवित्रता की गवाह है, क्योंकि हर नदियों का पवित्र पानी आम आदमी के खेतों से होता हुआ फसल पैदा करता है और वो फसल हर धर्म का आदमी खाता है और हर धर्म के लोगों के लिए वो फायदा पहुंचाती है। लेकिन आपने उसे भी बांटने का काम कर दिया, आपने वो तमाम चीजें जो इस मुल्क की थी आज या तो अदालतों के कटघरे में खड़े कर दिया है या आपने उसे सबकी नजरों से देखने के लिए छोड़ दिया है। मैं ये कहता हूं कि राजनीति में जरूर आइए, अच्छे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। 20 साल पीछे कभी संसद में पूनम देवी मुख्तार अंसारी जैसे लोग थे और उसके 20 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लोहिया जैसे लोग हुआ करते थे जब लोग संसद की मिसाल देते थे। आज यही कारण है कि जब आपका कोई राजनेता आपके क्षेत्र में आता है तो या तो उसकी मजबूरी है कि उसके साथ चले या उसके दल का सदस्य है इसलिए उसके साथ चले, लेकिन आज खुशी से कोई लौटकर अपने राजनेता के साथ चलना नहीं चाहता। क्योंकि या तो वो किसी धर्म में पड़ गया है या किसी ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़ गया है जो बात तो मानवता की करता है लेकिन काम नहीं करता। 4 दिन पहले इस देश में इस देश का पवित्र संविधान जलाया गया। मुझे अफसोस है इस बात का कि जिस संविधान की कसमें खाकर हम भारत की पवित्रता की दुहाई देते हैं, जिस संविधान की कसमें खाकर हम सरकारों में मंत्री पद का अर्थ लेते हैं, जिस संविधान के भरोसे आज हम इस देश में रहते हैं, वो संविधान चंद सर फिरे लोग एक जगह जमा होते हैं, उसे फाड़ते हैं और संविधान जला देते हैं और इस देश में आज तक उन पर केस नहीं रजिस्टर हुआ। श्याम केशवानी जी, इससे 72 दिन इस भारत के लिए क्या आएगा कि ये जिसकी पवित्रता के लिए पूरी दुनिया के लोगों ने जंगें लड़ी होंगी तो अपने अपने मुल्कों के लिए संविधान बनाया होगा। और हमारे मुल्क में तो ऐसे ही संविधान था कि जहां हजारों जातियां रहती हो सबको जोड़कर एक संविधान और एक अदालत में चलता हो। चंद लोग आते हैं, संविधान जलाते हैं और संविधान जलाकर ये दिखाते हैं कि हम इसे नहीं मानेंगे, तो आप उस देश में रहना पसंद करेंगे और कैसे आप इस भारत के नागरिक रहेंगे जहां हिंदू मुसलमान एक साथ मिलजुल कर चलता है, जहां का हिंदू मुसलमान इस देश के 30 त्योहारों में चलता है, जहां का हिंदू मुसलमान एक साथ रहकर इस देश की 5000 साल परंपराओं का निर्वाह करता है। अगर उस देश के संविधान का ये महत्व होगा तो ये देश आगे कैसे चलेगा ये नौजवानों को तय करना। राजनीति में अवसर गिन लीजिए, आप देश की सत्ता में आ जाइए, आप
काम नहीं कर सके तो इतिहास खोलूं, खूनी इतिहास लिखा जाएगा। सत्ता में रहने वाले तातार भी थे और ऐसे लोगों ने इस मुल्क में राज किया जिनका आज नाम लेवा कोई नहीं है। मैं बड़े दावे से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की उस कहावत को कहता हूं, अंग्रेज जज ने उनको पूछा कि भगत सिंह, आज आप इस मुल्क में मेरा विरोध कर रहे हो, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो, 800 साल मुगलों ने तुम्हारे इस भारत में राज किया, तुमने विरोध नहीं किया, और 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, तो आप विरोध करने आ रहे हो। तो आजाद ने यही कहा था, भगत सिंह ने यही कहा था कि मुगलों ने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत की, लेकिन कभी एक भी हिंदू मुस्लिम फसाद 800 साल की तारीख में नहीं हुआ। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत में हिंदुस्तान को तुमने लूट, और उस लूट का पूरा दौलत उठाकर लंदन के उस नदी के किनारे ले गए जहां तुमने इसकी नुमाइश की और मुल्क के तमाम कोहिनूर को लूटा। तो दोनों में यही फर्क था कि एक आया था, यही बसा, यही सब बनाया और इसी मुल्क को सब दे दिया, एक तुम थे आए, लूटे और लेकर चले गए। तो दोनों में यही फर्क था। तो आज ये समझने की जरूरत है कि हमारे बीच जो लोग हैं वो कौन है, कौन सोच रहे हैं इस देश के लिए, कौन देख रहे हैं इस देश के अदालिया में कितना विश्वस्तता रह जाएगी, कौन देख रहे हैं कि इस देश की संसद की मर्यादा कैसे रह जाएगी, क्योंकि आज भाषा का कोई महत्व नहीं रहा। कोई भी साक्षात नेता उठता है, माइक लेता है या सोशल मीडिया पे आता है, जब चाहता है इस देश के महापुरुषों की अस्मिता को तार तार कर दे रहा है, और लोग ये कहते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता है। क्या यही स्वतंत्रता है कि आप जब चाहें इस देश के किसी भी महान पुरुष का, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, जिन्होंने इस देश में राज किया, जिन्होंने संसद को चलाया, जिन्होंने विधानसभाओं को चलाया, जिन्होंने सरकारें चलाई, जिन्होंने न्यायपालिका चलाई, आज उनके ऊपर आप किचन छाड़ रहे हैं? आप खुद अपना महत्व देखिए, आप जाति में बट गए, आप धर्म को छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया का कोई धर्म आज तक ये नहीं कहता कि तुम अपनी जातियों में बट जाओ, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि तुम मानवता का संहार करो, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि किसी दूसरे धर्म की बहन बेटियों की तुम आबरू लूटो, ये कोई धर्म नहीं कहता। किसी धर्म ग्रंथ ने, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो वेद हो, किसी धर्म ने ये नहीं लिखा, तुम जाओ और किसी धर्म के लोगों का अपमान करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो वही हाल है कि रावण के साथ अगर महापुरुष थे तो पिशाचर भी थे। अगर आज सत्ता के साथ अच्छे लोग हैं तो उनके साथ बुरे लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई आपको करना होगा, उन्हें समाज से बाहर करना होगा, क्योंकि ये पवित्र देश है। दुनिया के लोग, अमेरिका, जर्मन, लंदन, इटली के लोग हिंदुस्तान में शांति के लिए आते हैं, हमारी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, यहाँ की मंदिरों में वो धार्मिक स्थानों के लिए जाते हैं। मैंने कई विदेशी जोड़ों को देखा जनक जी, जो विदेशों से आते हैं, जिनका कोई कल्चर नहीं, वो शादी ब्याह हमारे कल्चर में आकर हिंदुस्तान में करते हैं। वो हमारी पवित्र नगरियों में जहाँ इस तरह के प्रतिष्ठान होते हैं, चाहे पुष्कर हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, उन पवित्र नदियों के जल की सौगंध खाकर वो अपने धर्म में अपनी जाति को बढ़ाने के लिए हमारे रस्म रिवाज तोड़ते हैं। लेकिन हम इसी मुल्क में रहकर अपने रस्म रिवाज से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मुल्क ऐसा कभी नहीं था। इस मुल्क में कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम कौन से धर्म से हो, इस मुल्क ने कभी नहीं पूछा कि तुम कौन से मजहब के मानने वाले हो। सब एक साथ चलते रहे, सब एक साथ आते रहे, सब एक साथ त्योहार मनाते रहे। ऐसे ही सोचिए कि अभी आपका गणपति उत्सव हो रहा है, अब भगवान गणेश के पिता हमारे यूपी से आते, अब अगर हमारे महाराष्ट्र के भाई हमसे कहें कि नहीं साहब, हमारे गणेश जी अलग और शिव जी अलग, तो फिर हमारे पुराणों की क्या महत्व रह गई, फिर धर्म ग्रंथों की क्या महत्व रह गई। इसलिए समझो, सीखो, अपने धर्म ग्रंथों को सीखो। अभी आपके घरों में 80-85 साल के बुजुर्ग जिंदा हैं, उनके पांव दबाओ और धर्म उनसे सीख लो, इंसानियत उनसे सीख लो। अगर कुछ सीख सको यही तुम्हारी सीख है, क्योंकि तुम गूगल से मालूमात तो कर सकते हो लेकिन संस्कार नहीं ला सकते। तुम गूगल सर्च करके जानकारी निकाल सकते हो, लेकिन जो सभ्यता और जो संस्कृति हमारे घरों में है, जो हमारे महलों में थी, जो हमारे कोठरों में थी, जो समाज में थी, खेत खलिहानों में थी, वो गूगल के किसी पेज पर सर्च करके नहीं मिलेगी। इसलिए आज भी वक्त है, अभी बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये उस जमाने में तातार से बदतर दिन नहीं है।
उसकी अपेक्षा